इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, बच्चों कोई कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है, कैसे स्टार्ट होती है, ठीक है, ये देखिए, द प्रोसेस फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर प्रिंसिपल स्टेजेस। पहला है प्रमोशन, दूसरा है इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, तीसरा है कैपिटल सब्सक्रिप्शन और चौथा है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बच्चों पहला देखिएगा प्रमोशन, देखिएगा क्या लिखा है, इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन। बच्चों ये पहला स्टेज है कंपनी को इनकॉर्पोरेट एस्टैब्लिश करने के लिए। अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन एग्री कर रहे हैं कि बिजनेस स्टार्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी। इन लोगों को प्रमोटर कहा जाता है, जो बच्चों बिजनेस के आइडिया को प्रमोट करते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि चलो बिजनेस चालू करते हैं। तो वो लोग जो बिजनेस के आइडिया को, बिजनेस को इनिशियली प्रमोट करते हैं, उन्हें प्रमोटर्स कहा जाता है बच्चों। सो दिस इज प्रमोशन। सेकेंड पार्ट, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, देखिएगा क्या लिखा है, द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोसीजर्स को फॉलो करके। द प्रमोटर आफ्टर गेटिंग द नेम ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी अप्रूव्ड फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी सबमिट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंसेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर टू एक्ट एज अ डायरेक्टर एंड डिक्लेरेशन दैट रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट हैव बीन कंपाइल्ड विद। बच्चों ये पूरा प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। कंपनी को पहले तो नेम सिलेक्ट करना होता है, तो कंपनी अपना नाम और डॉक्यूमेंट जो भी कुछ है, वो जो भी डॉक्यूमेंट बनता है कंपनी के रिलेटेड, वो और नाम जो उसने सिलेक्ट किया है वो सब भेज दिया जाता है कहां पे, अप्रूवल के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। अब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी देखिएगी कि इस कंपनी का कोई नाम है, इस नाम का कोई कंपनी पहले से अवेलेबल है, अगर होगा तो नाम रिजेक्ट कर देगी और बोलेगी नया नाम भेजो, और वो खुद भी अपने तरफ से सजेशन देगी, जैसे वो मेल आईडी बनाते वक्त होता है। फिर से आप अपना नाम चेंज करके थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके और फिर भेजिए, तो आपका जो नाम है उसको अप्रूव कर देंगे, जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं वो आपको भेज देने होंगे, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फर्स्ट डायरेक्टर का कंसेंट हामी अप्रूवल यहां वो डायरेक्टर बनना चाहता है, और जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट है वो सब पूरी करनी पड़ेगी। द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी क्या करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अगर उसको सेटिस्फाई हो गया आपके रिक्वायरमेंट से, आपके डिटेल से, आपके डॉक्यूमेंट से, तो वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। द कंपनी देयर आफ्टर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, और जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा कंपनी एग्जिस्टेंस में, अस्तित्व में आ जाएगी, अभी अस्तित्व में आई है, चालू नहीं हुई। कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, अ कंपनी हैज टू ऑब्टेन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट। बच्चों एक बार इनकॉर्पोरेशन होने के बाद 180 दिन के अंदर अंदर कंपनी को कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा। इनकॉर्पोरेशन हो गया तो 6 महीना 180 दिन के अंदर अंदर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आपको लेना होगा। कंपनी हैज टू सबमिट अ डिक्लेरेशन टू द इफेक्ट दैट एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हैज पेड द वैल्यू ऑफ शेयर्स agreed to be taken by him. Public company के केस में 7 लोग होते हैं बच्चों, तो आपको declaration देना पड़ेगा कि 7 लोग जो है वो memorandum of to the memorandum of association के, आपको declaration in short registrar को देना पड़ेगा कि 7 लोगों ने आपके कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब किया है और उसकी वैल्यू पे कर दी है। और जब आप ये declaration दोगे, इससे संतुष्ट होके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो है वो आपको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का बच्चों सर्टिफिकेट देंगे, और अब आप बिजनेस चालू। लेकिन बच्चों बिजनेस चालू करने के लिए पैसा चाहिए, ये लोग 7 लोग सर दिए ना पैसा, कंपनी को पे करते हैं, 7 लोग दिए ना पैसा, तो होगा क्या, नहीं होगा, तो कैसे होगा फिर सर, तो कंपनी को पैसा चाहिए, और कंपनी बच्चों इसके लिए प्रोस्पेक्टस इशू करती है। अ पब्लिक कंपनी इशू और डॉक्यूमेंट कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। पब्लिक कंपनी बच्चों एक डॉक्यूमेंट बाहर निकालेगी, डॉक्यूमेंट बाहर
पब्लिक के लिए निकालेगी, जिसे प्रोस्पेक्टस कहा जाता है, इन विच जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ इशू, कि कंपनी शेयर क्यों इशू कर रही है, उस पैसे का क्या करेगी, ये सारी चीजें लिखा रहता है। प्रोस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस एंड इंक्लूड्स अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और सेल्फ प्रोस्पेक्टस और एनी नोटिस सर्कुलर एडवर्टीजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट इनवाइट ऑफर फ्रॉम पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट। प्रोस्पेक्टस उस डॉक्यूमेंट को कहेंगे जिसके थ्रू कंपनी बच्चों आप पब्लिक को इनवाइट कर रही है कि आप आइए हमारी कंपनी के शेयर सब्सक्राइब कीजिए, उस डॉक्यूमेंट को प्रोस्पेक्टस कहेंगे। प्रोस्पेक्टस उस डॉक्यूमेंट को कहेंगे जिसके थ्रू कंपनी पब्लिक को इनवाइट कर रही है कि आप आइए और हमारी कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर्स को। यहां तक क्लियर है? और बच्चों जैसी पब्लिक शेयर खरीदेगी, पब्लिक पैसा देगी, कंपनी को पैसा मिलेगा और कंपनी बच्चों शुरू हो जाएगी अपना बिजनेस करना चालू कर देगी। बच्चों समझ में आ गया? बच्चों रियल बिजनेसमैन उसी को कहते हैं जो दूसरों से पैसा लेकर बिजनेस करे, अपना बिजनेस बनाए और फिर दूसरों का पैसा लौटा दे। रिलायंस पावर करके कंपनी आई थी, आज उसका शेयर बच्चों 2 रुपए, 2.25 रुपए, 2.5 रुपए चलता है। तो रिलायंस पावर करके कंपनी आई थी जो अभी एस्टेब्लिश तो हो गई थी, इनकॉर्पोरेशन तो हो गया था, बिजनेस बहुत ज्यादा उसने चालू नहीं कर रखा था, मतलब थोड़े बहुत उसके एक प्लांट थे, थोड़े बहुत मतलब जस्ट अब वो सोच रहे थे कि पावर बिजनेस में फुल फिल उतरेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो उन्होंने रिलायंस पावर के शेयर इशू किए, एक शेयर 400 रुपए का और टोटल करीब 7-8 हजार करोड़ रुपए का आईपीओ आया था इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो पब्लिक 7-8 हजार करोड़ रुपए रिलायंस को देने वाली थी और रिलायंस का ना उस जमाने में क्रेज था, 2008 की बात कर रहा हूँ, 9 की 8-9 जैसे से कुछ, सब लोगों ने 400-400 रुपए पे बच्चों शेयर्स को खरीदा, जबरदस्त एप्लीकेशन गया शेयर्स के लिए, हालांकि कंपनी को तो 8 हजार करोड़ ही मिले थे। कंपनी ने ले लिया, बिजनेस अपना शुरू कर दिया, थोड़ा बहुत बैंक ऑफ चाइना, सेंट्रल बैंक ऐसा कुछ है चाइना का, उससे लोन लिया और भी बहुत सारे बैंकों से लोन लिया, पब्लिक का पैसा, शेयर का पैसा मिल ही गया। तो कहने का मतलब क्या है कि कंपनी, देखिए कंपनी का फंड का इशू नहीं रहा, कंपनी ने जबरदस्त इन्वेस्टमेंट चालू किया, प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया और प्लांट इंडिया का सबसे बड़ा एक बार प्लांट उन्होंने बनाया था कुछ 6000 मेगावाट का, कैसा कुछ 4000 मेगावाट का ऐसा, ठीक है, एक ही जगह पे सबसे बड़ा पावर प्लांट, बाद में फिर अदानी उससे बड़ा बना ली। तो ऐसा मतलब इन शॉर्ट पर रिलायंस पावर करती गई और लेकिन बिजनेस उसका घटता गया, डेप्ट बढ़ता गया, प्रॉफिट घटता गया, डेप्ट बढ़ता गया, प्रॉफिट घटता गया और आज वो शेयर 2-2.5 रुपए पे है। 400 रुपए पे खरीदा हुआ शेयर 2-2.5 रुपए पे आ गया। बट आप कुछ कह नहीं सकते क्योंकि आपने शेयर खरीदा है, मतलब आप कंपनी के ओनर हैं। हाँ, आपको ज्यादा सवाल है तो आप कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग में जाइए और बीइंग एन ओनर, आप जो बड़ा ओनर है जिसके पास ज्यादा शेयर है, जो बिजनेस के मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट कर रहा है या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो मैनेजमेंट है, उससे आप सवाल पूछ सकते हैं कि ऐसी हालत क्यों है, कब ये रिवाइवल होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ये सब पूछ सकते हैं। बट फ्रॉम स्टार्टिंग टू कैपिटल रेजिंग मैंने आपको बता दिया, पहले प्रमोशन करते हैं, फिर इनकॉर्पोरेशन होता है, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलता है, फिर उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टार्ट होता है, ठीक है। पैसा चाहिए, कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, पब्लिक को इनवाइट करेगी, आइए सर हमारी कंपनी के शेयर खरीदिए, पब्लिक आएगी आपकी कंपनी के शेयर के लिए अप्लाई करेगी, शेयर खरीदेगी, आपको पैसे मिलेंगे, आपको फंड यानी कैपिटल मिलेगा, आप बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए। तो ये पूरा प्रोसेस जो है कंपनीज का होता है।